खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद से हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान किया। वजीर खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 19.90 रुपये महंगा किया गया है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 273.40 रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 19.95 रुपये इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 272.95 रुपये हो गई है। वजीर खजाना का कहना था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता दिनों आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और ओगरा के साथ तेल की कीमतों के बारे में मशावरत हुई, लिहाजा मुल्क की मफाद सामने रखते हुए कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। अलबत्ता वजीर आजम ने कहा है कि अवाम के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करना चाहिए। इसहाक डार का कहना था कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं और सबको पता है कि स्टैंड बाय मायदा हुआ है। माजी में भी यही मसला हुआ कि हुकूमत ने जाते हुए मायदों को पूरा नहीं किया, इसलिए हमारी IMF के साथ पेट्रोलियम लेवी से मुतलिक कमिटमेंट जो है उसे पूरी कर रहे हैं।